मैड हो गया। ये कैमरा सामने है दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं हम लोग अभी चेस्ट के पास है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल के चेस्ट के पास हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों हम आगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों मुंबई से अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आते हैं गुजरात, तो इस ब्लॉग को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो मैं आपको पहले ट्रेन दिखा देता हूँ कि जब रात में हम चढ़े थे तभी खाली था और अभी भी सुबह खाली है। तो फिलहाल अब पहुँचने वाले इकतानगर, ये वही नदी है और एग्जैक्टली 7:30 बजे एकदम टाइम पे पहुंच रही है ट्रेन। पहले इस स्टेशन का नाम था केवड़िया। दोस्तों मुंबई से अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आते हो तो सबसे बेस्ट जो ट्रेन है वो एकता नगर दादर से निकलती है 11:50 की। और दोस्तों हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी में जो टिकट निकाला था उस टिकट के अंदर बस की टिकट भी हमारी इंक्लूड है, जो एकता नगर से स्टैचू ऑफ यूनिटी का 7 किलोमीटर का जो रेंज है, 7 किलोमीटर हम बस से जाने वाले, तो वो बस आप देख सकते स्टेशन के सामने लगी होगी। तो सामने आप देख सकते भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी की बस खड़ी है, तो हम लोग जाते हैं चढ़े जाते हैं। दोस्तों अगर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की टिकट बुक करने नहीं आती है तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की टिकट कैसे बुक करते हैं। और अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की टिकट बुक नहीं करते हो, ऑफलाइन में बुक करते हो, अगर ऑनलाइन बुक करते हो तो आपको ये बस की सर्विस मिलेगी, और अगर ऑफलाइन बुक करते हो तो यहाँ से आपको जाने के लिए टमटम मिलेगा, प्लस गाड़ियाँ वगैरह भी अवेलेबल है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए यहाँ से गाड़ी का कितना भाड़ा है? भाड़ा नहीं, बस ही चल। आप बस तो चल रहे, अगर कोई बस का टिकट नहीं निकाला या तो रिक्शा पकड़ के गया, ये अलाउड नहीं है, बता देने की आपको। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू बनाया गया है छोटा सा। इसी स्टैचू को हम देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही बड़ा स्टैचू है। दोस्तों हमारे 4 ब्लॉग बनने वाले, एक ब्लॉग हमारा मुंबई से स्टैचू ऑफ यूनिटी कैसे आते हैं और स्टैचू ऑफ यूनिटी के इनसाइट का पूरा ब्लॉग एक ब्लॉग बनेगा, फिर उसके बाद दूसरा ब्लॉग जंगल सफारी, तीसरा ब्लॉग हमारा जो होगा एकता क्रूज का होगा, चौथा ब्लॉग भी हम कुछ ना कुछ बनाने वाले। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हमारे सारे ब्लॉग्स को देखेंगे। ये रहा बस बाय स्टैचू ऑफ यूनिटी का बस है। तो एकता नगर रेलवे स्टेशन से बस से अपने को 10 से 15 मिनट लगा और पीछे आप देख सकते हैं फाइनली हम पहुंच गए स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने। तो हमारा जो स्लॉट है वो 10 बजे का है, 10 से लेके 12 बजे के अंदर का हमारा स्लॉट है। तो फिलहाल अभी टाइम बज रहा है कुछ सुबह के 8, तो अभी भी 2 घंटा बाकी है, तो हम यहाँ पे थोड़ा घूमेंगे। एक चीज़ आपको बता दूँ कि हम जब यहाँ से जाएंगे रात में 6:30 बजे के टाइम पे एक शो चलता है, जो कि पूरा जो मूर्ति आप देख रहे हो ना स्टैचू ऑफ यूनिटी की, जो पूरी मूर्ति है ना उस पर पूरा शो चलता है, तो वो शो भी मैं आपको दिखाऊँगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर आपको बताऊं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गुजरात के रहने वाले, और इनके 4 भाई थे, ये सबसे छोटे थे, जल्दी शादी भी हो गई थी इनकी, और ये बैरिस्टर बनने के लिए फॉरेन कंट्री भी चले गए थे। तो बैरिस्टर वगैरह बनने के बाद जब इंडिया आए तो इनको पहला गृह मंत्री बनाया गया था, तो इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति बना है, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकी मेहनत की वजह से मोदी साहब ने एक यादगार के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी बना के रखे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। अगर आप वन डे टूर करते हो तो मेरे हिसाब से एकता क्रूज और उसके बाद जंगल सफारी और रिवर राफ्टिंग, ये सब आप वन डे टूर में कंप्लीट कर सकते हो। अगर 2 डेज रहते हो तो बहुत सारे यहाँ पे अट्रैक्शन है, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने बस स्टैंड, यहाँ से आपको सारी बसें मिलती है, यहाँ पे आपको बस वाला छोड़ता है और यहीं से आपको बस से जाना है एकता नगर स्टेशन, और यहीं से आपको सारे अट्रैक्शंस के लिए बस पकड़नी है, जंगल सफारी हो, रिवर राफ्टिंग हो, जो भी एकता क्रूज वगैरह के लिए यहीं से बस पकड़ के अपने को जाना है। एंट्री वाला जो गेट है स्टैचू ऑफ यूनिटी का वो सामने ही है, लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ आते हो और टॉयलेट्स वगैरह आपको अगर लगता है
तो यहाँ पे बाथरूम की भी सुविधाएं बनाई गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारा जो 10 बजे का स्लॉट है उसमें एंट्री मार रही है, ये अपना गेट नंबर 4 है, गेट नंबर 4 से एंट्री मारने का। तो यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर जाने के लिए भाई सिक्योरिटी वाला है ना कुछ भी अंदर लेके जाने नहीं दे रहा है, क्या बोलूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो व्हील चेयर भी अवेलेबल है, जो लोग चल नहीं पाते उनके लिए व्हील चेयर भी अवेलेबल है। मेन गेट यहाँ है, यहाँ से एंट्री मारना है। स्कैन मारे भैया, सिक्योरिटी वाला बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेकिंग कर रहा है और चेकिंग करना बनता भी है क्योंकि है ये जगह, इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना हुआ मूर्ति, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू। तो यहाँ से आप देख सकते भाई अगर आप ज़्यादा चले हो ना, चलने के बाद अगर आप थक गए हो तो आप यहाँ पे इसका भी व्यवहार कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा चल के भी जा सकते हो और नहीं तो इसमें खड़े हो जाने का और अपने आप उस जगह पर पहुँचा देगा। ये आप उन खड़े हो गए बस बस आपको एक जगह खड़े हो जाना है, पहुंचा देगा। ये भी तो देखने लायक जगह है, बस। दोस्तों दूर से एक अलग ही नज़ारा लग रहा था और नज़दीक से आप देख सकते हैं क्या व्यू लग रहा है यार, कितना बड़ा है, बाप रे बाप, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है यार, बहुत ज़्यादा बड़ा है। वाकई वाकई ये पहाड़ के बराबर बनाया गया है, पहाड़ के बराबर। लेकिन यहाँ पे आके भाई वाकई में पैसा वसूल है। कितना बड़ा स्टैचू यार, कितना बड़ा, यहाँ से देख के अजीब ही लग रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। चलो अरे भाई भाई ये देखो सुकून वाली जगह आ गई ले भाई, पूरा का पूरा एसी से भरा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर का हिस्सा, सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति और पूरा हिस्ट्री यहाँ पे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के बाद जब 2018 में ये बना था तभी मोदी साहब आके जो किए थे ना, ये गुजरात का मंत्री मंडल है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स है। अच्छा, ये पूरी टीम है जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया है। ये है राम सुथर, इन्होंने इस प्रतिमा की डिजाइन बनाई। अच्छा, इसकी डिजाइन ये इन्होंने बनाए थे। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति का डिजाइन ये शख्स ने बनाया, ये वो शख्स है ना, मतलब इन्होंने बनाया। राम क्या नाम, राम बंदी सुखर, राम बंदी सुखर। और ये एलएनटी कंपनी के इंजीनियर है जो। अच्छा 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 अच्छा। और ये अपने गुजरात के सीएम है, गुजरात के सीएम ये थे जब 2018 में। अच्छा, अभी फिलहाल वो है नहीं, यहाँ उनकी तस्वीर अभी नहीं है। अच्छा। और ये भूमि पूजन किया था 31 अक्टूबर 2013 में जब मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये ओरिजिनल जगह है, ये जो पहाड़ी है उस पर ये पूरा प्रोजेक्ट को बनाया है। अच्छा, ये वही जगह है जिसमें बनाया गया ये। अच्छा, ये जिसपे बनाया गया ये पहले वही जगह है। ओह, ये जो मतलब भाई ये स्टैचू ऑफ यूनिटी पहले ऐसा था, फिर इसके ऊपर काम करके इस तरीके से बनाया गया। अच्छा, इसका टोटल खर्चा कितना था, टोटल बजट? ये जो 1500 करोड़ रुपए में बना है, लेकिन अदर पॉइंट जो डेवलपमेंट किया है 2900, मतलब 3000 करोड़ के लगभग गए। हाँ, 3000 करोड़ के लगभग। ओके, थैंक यू मैम। तो भाई 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी का। आप देखिए, आप यहाँ पे खुद स्टाफ ने खुद बताया। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो उनकी मुंडी है वो उनको यहाँ पे रखा गया है। और
यहाँ पे एक छोटा सा स्टैचू ऑफ यूनिटी का सैंपल बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त इसकी वीडियोग्राफी की गई थी, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया जा रहा है कि इसको किस तरह से बनाया गया था। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो ग्राउंड फ्लोर में ना, गुजरात में क्या क्या फेमस है, कौन कौन से जानवर फेमस है, कौन कौन से चरिंदे परिंदे मतलब चुड़िया, कौन कौन से पेड़ पौधे, क्या क्या चीज़ गुजरात में फेमस है, क्या क्या दिखता है गुजरात में, वही सब चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। तो हमने देख लिया, अभी हम जा रहे हैं वीव गैलरी पे। दोस्तों पैसा वसूल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का पैसा वसूल है और दूसरा बाहर इतनी गर्मी है, अंदर पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी को एसी से भर दिया गया है, तो अलग ही फीलिंग आ रहा है, ऐसा लग रहा है कश्मीर में आ गया, इतना ठंडा लग रहा है। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये गुजरात के लोग इस तरीके से रहते हैं, गुजराती मानूस, ये है गुजराती मानूस। पूरा गुजराती कल्चर जो है फर्स्ट फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर में पूरा गुजराती कल्चर दिखाया गया है। मेन तो अपने को अभी वीविंग गैलरी जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी का वो देखना है, तो इसके लिए यहाँ से लाइन लगाना पड़ता है। ये है वीविंग गैलरी। अरे अरे टिकट, अरे टिकट रहेगा तभी तो अंदर घुसे। चार तरह का सेट ना। तो वीविंग गैलरी का अपना स्कैन हो गया, टिकट अपना पहले से ऑनलाइन से निकाला हुआ था, 380 वाला जो टिकट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वही निकालना, क्योंकि उसमें इंक्लूड रहता है। क्यों? अच्छा, तो अभी हम लोग है ना यहाँ पे लिफ्ट पकड़ के 45 फ्लोर में जाने वाले, और 65 फ्लोर तक भी 45 तक जाना है। अच्छा, 15 फ्लोर मेंटेनेंस के लिए। वो मेंटेनेंस के लिए वहाँ जा ही नहीं सकते, मतलब सिर्फ यहाँ के स्टाफ लोग जा सकते हैं, आप भी नहीं जा सकते। अच्छा, ये इस लिफ्ट में अपने को कितना सेकंड लगेगा? 38 सेकंड में अपने को 45 तक पहुंचाएगा। क्या बात कर रहे हैं, इंडिया की सबसे फास्ट लिफ्ट, सेकंड फास्ट, फर्स्ट कौन सा है? बॉम्बे में कौन सा है वो? अच्छा, मतलब मुंबई से ही है, लेकिन हम लोगों को भी नहीं पता, हम लोगों को भी नहीं पता। अच्छा, इंडिया का सेकंड फास्ट लिफ्ट है ये। और ये देखो भाई, लिफ्ट में गर्दी देखो। अच्छा, इस सेट क्या है? अच्छा, वो एग्जिट है। आ जाओ, बहुत बड़ा लिफ्ट है यार, 38 सेकंड में 45 फ्लोर आ गए। सेकंड स्टेच। ओहो, तो ये रहा भाई वीविंग गैलरी, 45 फ्लोर के ऊपर है, और यहाँ से बाहर का लुक्स बहुत ही मज़ेदार है, बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है, और यहाँ पे अपने को सिर्फ 20 से 25 मिनट तक अलाउ है। वीविंग गैलरी में आपका स्वागत है। अभी आप सरदार साहब के चेस्ट लेवल पे खड़े हो, चेस्ट पे हो, स्ट्रक्चर के अंदर हो, 135 मीटर, 45 फ्लोर और 450 फीट पे खड़े हैं आप। ये जाली है, ये सरदार साहब के जैकेट का पोर्शन है, जो सरदार साहब ने जैकेट पहना है, और ये जैकेट का बटन है ऊपर, ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा। अभी आप दूसरे और तीसरे बटन के बीच में खड़े, दोनों साइड बाहर निकला पोर्शन, आउटर पार्ट उनके शॉल का पोर्शन है। स्टैचू बनाने में 85% कॉपर, 55% जिंक, टीन और लेड का इस्तेमाल किया है। इसके आर्किटेक्ट है डॉक्टर राम वंजी सुतार, जो महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के गोंदुर गांव के रहने वाले। स्टैचू को बनाने में लगे थे सिर्फ 46 मंथ्स। इसका कंस्ट्रक्शन L&T कंपनी ने किया है। ये जो राइट साइड पर आप देख रहे हैं सातपुड़ा की पर्वतमाला है,
लेफ्ट साइड पर है विंध्याचल की पर्वतमाला, दो पर्वतमाला के बीच में है सरदार सरोवर डैम जिसमें बहती है नर्मदा नदी। आप सिर्फ 38 सेकंड में 45 फ्लोर पे आ गए हो, चेस्ट लेवल पे हो। ये फ्रंट व्यू है, इसके ऊपर और 15 फ्लोर है, 150 फीट है, 47 मीटर है, सिर्फ मेंटेनेंस वाले ऊपर जाते हैं। अभी आपको पीछे पूरा राउंड मारना है, फिर नीचे म्यूजियम में और फिर सरदार साहब के चरणों के पास फीट लेवल पे जाना है। आपकी टिकट में इंक्लूड है डैम व्यू पॉइंट एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ से एग्जिट करेंगे, बस पार्किंग से बस मिलेगी, वो आपको डैम व्यू पॉइंट एंड वैली ऑफ फ्लावर्स लेके जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। सरदार साहब ने जो जैकेट पहना है वो जैकेट का बटन है, ऊपर ये बटन देख लीजिएगा, ऊपर से दूसरा बटन है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, आपको यकीन नहीं आ रहा, तो 38 सेकंड में हम लोग 45 फ्लोर के ऊपर आ गए। हो ये कैमरा सामने है, ये भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। तो फिलहाल स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो व्यू गैलरी है वो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम नीचे जा रहे हैं जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पैर है ना उसके साइड में जा रहे हैं, उसका भी व्यू आपको दिखाएंगे। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर का हिस्सा हमने देख ही लिया, अब बाहर का हिस्सा भी हम आपको दिखाते हैं। बाहर का हिस्सा अपने को ये देखना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो पैर है ना, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पैर है उसके पास हम जाने वाले हैं। स्केलेटर भी यहाँ पे है अपना, चढ़ सकते हैं ऐसा चचा, ऐसा था दोनों, दो जो दो है ना, दो पीला कलर के बीच में खड़े हो जा रहे, आ जाओ, दो पीले के बीच में खड़े हो जाओ, दो पीले के बीच में खड़े हो जाओ और उसको पकड़ो। अरे भाई तू हाथ दे देना, तुम सपोर्ट दे देना थोड़ा उनको। चचा बेस्ट ऑफ लक। फिलहाल हम देखो भाई आ चुके, तो फिर से अपने को यहाँ पे फिर चढ़ने के लिए एस्केलेटर मिल गया, तो बहुत ऊपर है भाई। फिलहाल मैं एकदम नीचे आ चुका हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू, क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। और अभी भी एक सीढ़ी और चढ़ना है अपने को। ओहो, ऐसा लग रहा है यार बाप आदम खड़ा है ऊपर। इतना बड़ा इंसान अगर दुनिया में आता ना, मेरे को ऐसा लग रहा है दज्जाल लग रहा है भाई, दज्जाल। पैर देखो उसके, क्या बना है यार, क्या बना है। किसको देख रहा हूँ मैं यार, कितना बड़ा है। तो आप देख सकते भाई ये रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल का पैर। यार ये अंगूठा है, ये जो पैर का जो अंगूठा है ना, ये जो मोटी वाली उंगली है ना, ये मोटी वाली उंगली है, और ये जूता है, ये सेकंड उंगली है, थर्ड उंगली है, उसके बाद वो रहा अपना फोर्थ, और वो रहा फिफ्थ उंगली, और ये नीचे जूता है, ये जूते है, जूते के नीचे आ जा रहे तू, इतना बड़ा है यार। उंगली तो देखो, टच करके देखो क्या पत्थर का है। ये अपने ऊपर गिरेगा तो नहीं ना, चट्टी बन जाएंगे यार गिर गया। वो देखो एकता क्रॉस, उस पर चढ़ने गए अपने। और ये जो और ये रहा वो जो चप्पल का पीछे का हिस्सा जो रहता है ना, ये मेरे चप्पल का ये जो पीछे का हिस्सा है ना, ये ये देखो यार कितना बड़ा है, देखो भाई यहाँ तक।
चप्पल तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, पैर की दूरी की बात है। और ये दो पैर के बीच का हिस्सा, ये अपना एक पैर, ये दूसरा पैर बीच में। तो भाई हमने यहाँ का भी कंप्लीट कर लिया, देख लिया, चलो अब नीचे उतरते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इस व्लॉग को देखकर एक बार ज़रूर विज़िट करेंगे। तो यहाँ पे अपना ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो व्लॉग है यहाँ पे ख़त्म करने जा रहा हूँ। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी का मैंने आपको पूरा एक्सप्लोर कर दिया हो कि भाई अंदर का क्या है, बाहर का क्या है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है व्लॉग, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट व्लॉग बनाता हूँ। एकता क्रूज़ का अलग व्लॉग बनाऊँगा, जंगल सफारी का अलग व्लॉग बनाऊँगा, डैम का अलग व्लॉग बनाऊँगा। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। फ़िलहाल आपको मैंने जितना हो सका एक्सप्लोर करा, बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक अच्छे नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें, और अगर आप को कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स करना, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मेरे वीडियो को अगर आप थोड़ा लाइक करते हैं ना, तो मुझे क्या होता है, मोटिवेट मिलता है कि अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है, मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम। लेके चल रहे जिस तरीके से आने के टाइम पर, जाने के टाइम पर अपने को जो एक्सीलेटर था, रिटर्न जाते वक्त भी अपने को वही मिल रहा है। इसकी सुविधा सबसे बेस्ट लगी मेरे को। ये अपना जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने कैंटीन है, यहाँ पे खाना मस्त है लेकिन थोड़ा रेट ज़्यादा है। फ़िलहाल सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं, कुछ भी खा सकते हैं, इतना कसके भूख लगी है। अच्छे ब्रे ले भाई, बिस्मिल्लाह तो बोलो।